Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Mira Pibes. This topic is important from our Cerebral GS Paper 1 Indian Society point of view, especially with respect to women organization. तो विमेन से रिलेटेड एस एस आते रहते हैं इंडियन सोसाइटी में भी विमेन रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में अगर आप कुछ लिखते हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स तो समझते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में था मीरा पाई बेस तो दिस इज़ ग्रुप ऑफ विमेन फ्रॉम मनीपुर एंड दे आर ग्रुप ऑफ मीतीस विमेन फ्रॉम मणिपुर मणिपुर की तो अब आ, लोकल जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है वो तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इतने सारे जो अप हुए हैं कन्फ्लिक्ट हुए हैं मणिपुर में उसके बाद आपको ये जानना ज़रूरी होगा इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मणिपुर की टोपोग्राफी अगर आप देखो तो चारों तरफ से हिल्स हैं और बीच में वैली है और वैली रीजन में रहते हैं जो इस कम्युनिटी के लोग वो हैं मीतीस और हिली एरियाज़ में रहते हैं नागास एंड कुकीज़ और इन तीनों में ही आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है लेकिन मेन कन्फ्लिक्ट जो है वो नागास और मीतीस के बीच में चल रहा है हाल फ़िलहाल में या कुकीज़ और मीतीस के बीच में क्योंकि मीतीस को भी हाल फिलहाल में ट्राइबल स्टेटस देने की बात की गई जिसके बाद से ये मणिपुर में ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो ये मीतीस जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वैली रीजन में मणिपुर के उन्हीं कम्युनिटी के विमेन ने ये ग्रुप बना रखा है मेरा पैबीज दिस ऑर्गनाइजेशन विमन ऑर्गनाइजेशन इज कंसर्ड टू बी वेरी पावरफुल मॉरल फोर्स इन द वैली रीजन मोरल ग्रुप कह सकते हैं आप इसको मोरल फोर्स मतलब एल्कोहलिज़म के खिलाफ ड्रग अब्यूज के खिलाफ ये मूवमेंट चलाती हैं समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करती हैं दिस ऑर्गेनाइजन वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन एड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रास रूट मूवमेंट इन द वर्ल्ड इन्होंने कई सारे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट चलाए हैं एक जो सबसे स्ट्रांग पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने सपोर्ट किया वो था मूवमेंट अगेंस्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वायलेशन या अट्रोसिटीज़ परपोटेड एट्रोसिटीज़ कमिटेड by आर्म्ड forces अंडर आर्म्ड Forces स्पेशल पावर एक्ट तो आपको पता है कि एक कानून है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसके अंतर्गत जिस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है उस एरिया में आर्म्ड फोर्सेस को स्वीपिंग पावर्स मिल जाते हैं बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं जैसे कि एफ के बिना किसी को अरेस्ट करना या सर्च वारंट के बिना किसी के घर में सर्च करना तो जिन जिन एरियाज़ में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगे हैं वहाँ के कई सारे जगहों पर लोकल लोगों का कंप्लेंट रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस हैव बिन कमिटिंग एट्रोसिटीज इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन तो इसको लेकर के मणिपुर में एक बड़ा कंसर्न था मणिपुर की वेमेन बार बार एलिगेशंस लगाते रही इस तरह के और उसमें सबसे बड़ी जो एक्टिविस्ट थी वो थी आयरम शर्मिला इन्होंने सोलह साल तक फास्ट या हंगर स्ट्राइक किया सी वॉज ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर सिक्सटीन ईयर्स फ्रॉम टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड सिक्सटीन अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट एंड एट्रोसिटीज कमिटेड बाई आर्म्ड फोर्सेज इन मनीपुर और आयरम शर्मिला सोलह साल के तक हंगर स्ट्राइक के बावजूद भी शी वॉज कैप्ट लाइव बिकॉज शी वॉज बींग फेड थ्रू डिफरेंट मैकानिजम जैसे इस इमेज में भी आप देख सकते हैं ये जो मेरा पाइवेज नाम का ग्रुप है दैट ग्रुप वॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स और सपोर्ट बिहड आयरम शर्मिला वो बात अलग है कि दो हजार सोलह में जब एकाएक से इन्होंने अपना फास्ट या हंगर स्ट्राइक खत्म किया और एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया तो उसके बाद से थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी आ गए थे आयरॉम शर्मिला और ये मीरा पाई भी ग्रुप के बीच में बट इन जनरल दे वेर द मेन सपोर्ट बिहाइंड आयरम शर्मिलाज हंगर स्ट्राइक फॉर सिक्सटीन ईयर्स फ्रॉम टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड सिक्सटीन करेंट न्यूज क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंडियन आर्मी का एक ग्रुप स्पियर कॉप्स नेम इज़ नॉट इंपॉर्टेंट वो कह रहे हैं कि ये जो मणिपुर की ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन है मईरा पावेज़ ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है इंडियन आर्म फोर्सेस को अपना काम करने में देखिए अगर आप इस पूरे सिचुएशन को ध्यान से समझें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक काफ़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कुछ दिनों पहले खबर निकल करके आ रही थी कि इंडियन आर्म फोर्सेस को जो फूड सप्लाईज़ किए जा रहे हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं वैली में मीतीज लोग अब इंडियन आर्मी कह रही है इंडियन आर्मी का एक कॉप कह रहा है कि वहाँ की जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी स्ट्रांग मॉरल फोर्स मानी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन मीरा पाई बेस नाउ दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन आर्मी दैट रिफ्लेक्ट्स ट्रस्ट डेफिसिट ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है मैं बस कह रहा हूँ और इसको आप इम्प्लिसिटली लिख सकते हैं बट ये बता रहा है ट्रस्ट डेफिसिट अमंगस्ट सम ऑफ द कम्युनिटी ऑफ़ पीपल और सॉ सम द कम्युनिटी ऑफ मनीपुर अगेंस्ट इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के खिलाफ ट्रस्ट डेफिसिट मतलब भारत एज ए सोवरेन कंट्री के खिलाफ ट्रस्ट डेफिसिट तो ये एक एलियनेशन या सेक्सेसनिस्ट टेंडेंसीज की शुरुआत है ये जो मनीपुर में हाल फिलहाल में वायलेंस हुआ है इसको अगर ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो दैट में लीड टू मोर सेक्सेसनिस्ट डिमांड्स इन फ्यूचर अगेन इन मनीपुर सो दैट इज वन हिंट और इंडिकेशन वे आर लोकल ऑर्गेनाइजेश्स लोकल ग्रुप्स आर ऑबस्ट्रक्टिंग इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हाल फिलहाल में यही एलिगेशन लगाया है इंडियन आर्मी के स्पीयर कॉप्स ने दैट वुमेन एक्टिविस्ट इन मनीपुर आर ऑब्स्ट्रक्टिंग रूट्स एंड इंटरफेयरिंग इन सिक्योरिटी ऑपरेशन अमिट ऑन गोइंग राइटिंग एंड अंडरेस्ट इन द स्टेट अभी इन ऑर्गनाइजेशन से भी कई दफ़ा ये बातें निकल के आ रही हैं कि दीज ऑर्गनाइजेशन हैव लॉस्ड देअर ट्रस्ट इन इंडियन आर्म फोर्सेज एंड हैव ब्लेम्ड दैट इंडियन आर्म फोर्सेज हैज़ बीन साइडिंग विथ नागाज एंड कुकीज अगेंस्ट मी वो बात अलग है कि इस तरह के एलिगेशन पूरी तरह से बेसलेस हैं इंडियन आर्म फोर्सेज किसी भी एक कॉम्युनिटी को क्यों सपोर्ट करेगी अगेंस्ट अदर बट ऐसा परसेप्शन बन रहा है इस कॉम्युनिटी का इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जी एस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो छब्बीस जून हाल फिलहाल में जो बीता दिन है छब्बीस जून पूरे दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्राफिकिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1987 में एक रेजोल्यूशन पास करके 26 जून को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ ऑब्जेक्टिव था इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे ताकि पूरे दुनिया भर में ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए इसके अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जाए लेकिन अगर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 की माने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम वही पब्लिश करता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के हिसाब से ड्रग अडिक्ट एंड ड्रग यूजर्स की संख्या ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है एज पर दिस रिपोर्ट देर देयर वेयर टू सिक्सटी नाइन मिलियन ड्रग यूजर्स इन टू थाउजेंड एटीन विच इज अबाउट थर्टी परसेंट दैन नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन 2009 तो ये इससे पता चल रहा है कि ड्रग एडिक्ट्स की दुनिया और ड्रग एडिक्ट्स के नंबर्स पूरे दुनिया भर में बढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ मनाने से कुछ होगा नहीं यही है इस आर्टिकल का हेडिंग मेयर रिचुअल्स खाली रिचुअल्स कर रहे हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पर लेकिन ड्रग अडिक्ट और ड्रग अब्यूज़ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अंदर अगर ड्रग ट्राफिकिंग की बात की जाए तो इंडिया के अंदर ड्रग ट्राफिकिंग मेनली दो रीजन से होता है एक नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जो करीबी रीजन है प्रॉक्सिमिटी में है गोल्डन ट्रायंगल वाला रीजन ये रीजन यहाँ पे बहुत सारा इलीगल तरीके से ओ उगाया जाता है ये गोल्डन ट्रायंगल और फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन के प्रॉक्सिमिटी में है यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट यहाँ पे भी ओ उगाया जाता है और इन दोनों ही जगहों से इलीगल तरीके से फिर ओ ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर एंड दैट इज द रीज़न वाई आप देखो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जैसे कि पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ़ इट्स प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन क्रेसेंट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी खासकर जो बॉर्डर स्टेट्स हैं मणिपुर नागालैंड यहाँ पे भी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज़ के केसेज ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन ट्राइंगल तो गोल्डन ट्राएंगल की अगर बात की जाए तो दिस रीजन मेनली बिलोंग्स टू थ्री कंट्रीज म्यांमार लाओस एंड थाईलैंड एंड इट इज़ नोटोरियस फॉर ग्रोइंग ओ एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी विथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज़ अ रीज़न बिहाइंड राइज ऑफ ड्रग अब्यूज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बॉर्डर है दैट इज क्वाइट पोरस पोरस मतलब यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है उसके अलावा कई सारी नदियाँ हैं तो इस कारण से इस एरिया को पूरी तरह से गार्ड कर पाना कठिन हो जाता है एंड दैट अलाउज स्कोप फॉर द ड्रग ट्राफिकर्स टू डू ट्राफिकिंग ऑफ ड्रग्स इन इंडिया पोरस बॉर्डर इज द रीजन दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अप्रॉक्सिमेटी में है गोल्डन क्रेसेंट गोल्डन क्रेसेंट वाला जो एरिया है इट मूव्स और इट इज अलोंग थ्री कंट्रीज ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दिस रीजन इज ऑल्सो नोटोरियस फॉर ग्रोइंग ओ पी एम और इसका 90 परसेंट एरिया लगभग अफ़गानिस्तान में है तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबानी जो रूल कर रहे हैं और इतने सालों से जो तालिबान वहाँ पे पावरफुल फोर्स बना रहा है एक बड़ा सोर्स तालिबान के फंडिंग का ये ओ ही है जो वहाँ पे उगाया जाता है और फिर दुनिया भर में इलीगल तरीके से ट्राफिकिंग की जाती है तो ड्रग ट्राफिकिंग को अगर हमने कट कर दिया किसी तरीके से तो आप बहुत हद तक दुनिया भर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और टेररिज्म को रोक सकते हैं क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग इज वन ऑफ़ द मेन सोर्स फॉर फंडिंग ऑर्गेइज क्राइम एंड टेरोरिज्म सो दीज आर डबल हेडेड हाइड्राइज इफ़ यू कट वन इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू डेथ ऑफ द अदर अभी ड्रग अब्यूज़ की बात की जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है उसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम है ड्रग अब्यूज़ से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ इकोनॉमिक इम्पैक्ट है भाई जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है वो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के बजाय समाज पे एक लाइबिलिटी बन जाता है अपने फैमिली पे एक लाइबिलिटी बन जाता है मैनी यूथ हु बिकम ड्रग एडिक्ट, दे रादर बिकम इकोनॉमिक वेस्टेज अर्लियर दे हर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल बट बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्ट ड्रग दे हैव बिकम अन इकोनॉमिक लाइबिलिटी सिक्योरिटी इशूज़ भी हैं जब ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको फिर पैसों की जरूरत होती है इसके लिए फिर वो छोटे मोटे क्राइम करते हैं फिर बाद में बड़े क्राइम्स भी करना शुरू कर देते हैं ड्रग एडिक्शन के कारण इंपल्सिवनेस आ जाता है एक्टिविटी में एकाएक एक से वॉइलेंट तरीके से बिहेव करने की टेंडेंसी भी डेवलप होती है ड्रग ट्राफिकर जो हैं फिर वो टेरोरिज्म को भी फाइनेंस करते हैं सोशल इशूज़ हैं तो वीमेन के खिलाफ हरासमेंट डोमेस्टिक वायलेंस दैट कुड भी डायरेक्टली लिंक्ड विथ ड्रग अब्यूज़ एंड देन हेल्थ इशूज ऑल्सो बिकॉज ड्रग जो हैं वो बहुत बार ऐसे यूज सीरींज का इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल टाइम्स एक ही सीरीज का इस्तेमाल करते हैं जिस कारण से एच आई वी के प्रेवलेंसेज बढ़ते जा रहे हैं दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न मल्टीपल टाइम सिंगल सीरींस का इस्तेमाल करना इज बिग रीजन बिहाइंड हाई एच आई वी केसेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स खासकर यह बॉर्डर रीजन स्टेट्स में एच आई वी और हेपेटाइटिस केसेज बहुत ज़्यादा हैं और उसके पीछे बड़ा कारण है

से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नुकसान हैं उसके बारे में अवेयर करना चाहिए लोकल एन का हेल्प लिया जा सकता है फॉर डी एडिक्शन पर्पसेस जो लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं उनको डी एडिक्ट करने के लिए लीगल मेजर्स लिया गया है कानूनी मेजर्स नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एन डी पी एस एक्ट लाया गया नाइन्टीन एटी फाइव का जिसके हिसाब से मिनिमम दस साल की सज़ा हो सकती है जो बीस साल तक भी बढ़ाया जा सकता है फॉर अ पर्सन हु सेल्स और कंज्यूम्स ड्रग इतना सख्त कानून है फिर भी ड्रग अब्यूज़ के केसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेंजेंट तरीके से नहीं हो रहा है सो मेयर हैविंग लॉ इज़ नॉट इनफ इस इट्स स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड देन देर आर इंटरनेशनल एफर्ट्स इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने नाइनटीन नाइन्टी सेवन में शुरू किया एक इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू स्टॉप और 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 कर द ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड तो ये ऑर्गनाइजेशन 1997 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ऑर्गनाइजेशन क्रिएटेड इन 1997 इंडिया इज आल्सो कोऑर्डिनेटिंग विद दिस ऑर्गनाइजेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द एग् ब्रिंक डाउन द इंसिडेंसिस ऑफ सबस्टांस अब्यूज़ इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे और uh, ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सब विट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए न्यूज क्या है वो जरा देखते हैं तो हमारे देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या इस साल घटी है आफ्टर मेनी ईयर्स यूनिकॉर्न्स की संख्या जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ने के बजाय घटी है ज़्यादा नहीं घटी है अर्लियर इट वॉज एटी फोर नाउ इट हैज़ कम डाउन टू एट्टी थ्री लेकिन ये एक नेगेटिव ट्रेंड है अदरवाइज ईयर ऑन ईयर हमारे देश में यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ रही थी तो क्या होते हैं यूनिकॉर्न्स वो भी ज़रा समझते हैं यूनिकॉर्न वो कंपनियाँ हैं स्टार्टअप कंपनियाँ जिनका ओवरऑल वैल्यू वन बिलियन डॉलर से ज़्यादा होता है उनको कहते हैं हम लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आर मेनली आउटकम ऑफ वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री वन बिलियन डॉलर जो वैल्यू है वो ऐसे ही नहीं आ जाएगी उसके पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगा होना जरूरी है तो कौन होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो जिनके पास काफ़ी सारा फंड होता है और वो नए नए बिजनेसेस में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है उसमें पैसा लगाना चाहते हैं स्टार्टिंग में वो उसमें पैसा लगाते हैं दे पुट देयर मनी बिहाइंड एन एंटरप्रेनर्स आइडिया उस बिज़नेस को चलाते हैं जब वो बिज़नेस ठीक ठाक सा चलने लगता है तब वो अपने शेयर को वापस बेच करके निकल जाते हैं आपने देखा होगा सार्क टैंक उसमें जो लोग बैठे रहते हैं जो नए नए आइडियाज सुनते हैं और पैसा फिर उनको आइडियाज अच्छे लगते हैं तो लगाते हैं तो जो लोग बैठ कर के आइडियाज सुनते हैं दीज पीपल आर नथिंग बट वेंचर कैपिटलिस्ट हु हियर अप न्यू एंटरप्रेनर आइडियाज आइडियाज अगर अच्छे लगते हैं तो उस कंपनी में थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं थोड़े से, से शेयर ले, ले लेते हैं जब वो कंपनी चल जाती है तो अपने शेयर को बेच देते हैं और ठीक ठाक सा पैसा लेकर के निकल जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट तो स्टार्टअप्स का ओवरऑल वैल्यू जो है इसीलिए ऊपर जाता है स्पाइक लेता है बिकॉज वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं जैसे आपने कोई कंपनी खोली एक्स वाई जेड और उस कंपनी के आपने दस शेयर किसी को बेच दिए एक करोड़ रुपये में तो इसका मतलब आपकी कंपनी की वैल्यू हो गई दस करोड़ क्योंकि किसी ने तो ख़रीदा है ना वो दस परसेंट शेयर एक करोड़ में यानी कि उसने वैल्यू लगाई आपकी कंपनी की दस करोड़ तो इस तरीके से जब वेंचर कैपिटलिस्ट आपके किसी अच्छे नए आइडियाज़ में बहुत सारा पैसा लगाते हैं तो आपकी कंपनी का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि सच में आपके पास उतने पैसे हैं जैसे हम लोग बात करते हैं कि कई सारे एडीटेक कंपनियाँ हैं फिजिक्स वाला तो Uh, वेदांतु है एंड देन अनकेडमी है वी टॉक अबाउट देम कि ये इतने हज़ार करोड़ की कंपनी है दैट डज नॉट मीन कि दे आर होल्डिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट सिंपली मीन्स कि उनके कंपनी में कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया है दो परसेंट शेयर खरीदा लेकिन जिस भाव में खरीदा है उस भाव के हिसाब से वो कंपनी का वैल्यू हो जाता है आठ हज़ार दस हज़ार करोड़ तो ये होते हैं स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू हो गई है वन बिलियन डॉलर या उससे ऊपर बट दैट डज नॉट मीन कि दीज स्टार्टअप्स आर सिटिंग ऑन द कैश पाइल ऑफ वन बिलियन डॉलर और मोर दैट इज़ नॉट ट्रू तो कई सारी फॉरन uh, इन्वेस्टर्स जैसे कि यहाँ पे आप नाम देखिए पीक फिफ्टीन पार्टनर्स दिस इज फॉर्मली नोन एज से इट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर ये इस तरह के कई सारे सॉफ्ट बैंक हैं नॉन इस तरह के इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं आपको करना क्या है आप एक स्टार्टअप खोलिए और स्टार्टअप का आइडिया जो है वो प्रॉमिसिंग लगना चाहिए फिर आप जाइए वेंचर कैपिटलिस्ट के पास और अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को वो आइडिया पसंद आता है तो आपके कंपनी में पैसा लगाएंगे और आपके कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा जैसे ही कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी आपके पास पैसा भी आ जाएगा आप ब्रांडिंग कर सकते हैं मार्केटिंग कर सकते हैं उससे कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट और बढ़ा सकते हैं बट ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टर का पैसा लेकर के वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लेकर के फिर उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया हाल फिलहाल में बाईजूज के लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ निकल करके आ रही कि बाइजूज बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं तो शायद से उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं की उनके पास बहुत सारा वेंचर कैपिटलिस्ट का फंड आया बट पर हैप्स दे डिड नॉट इन्वेस्ट इट इन राइट डायरेक्शन एंड दैट इज़ वाई परहैप्स दे आर फेसिंग सर्टेन फाइनेंशियल क्राइसिस तो एक तो होते हैं यूनिकॉर्न फिर दूसरे होते हैं अब जब स्टार्टअप्स की बात चल ही रही है तो लेटेस्ट सी अदर टर्म्स एज वेल जैसे स्टार्टअप कल्चर से रिलेटेड दूसरे टर्म्स भी देख लेते हैं गजील्स गजील्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूएशन 500 मिलियन डॉलर से लेकर के 1 बिलियन डॉलर के आसपास है जिनसे उम्मीद है कि अगले दो साल में वो यूनिकॉर्न बन सकते हैं मतलब उनकी वैल्यू वन बिलियन डॉलर से ऊपर हो सकती है एंड दे मस्ट हैव बीन फाउंडेड आफ्टर ईयर 2000। फिर होते हैं चीताज चीताज़ वो होते हैं जिनसे उम्मीद होती है कि वो आने वाले चार साल में यूनिकॉर्न बन जाए जिनकी वैल्यूएसन है लगभग दो मिलियन डॉलर से लेकर के पाँच मिलियन डॉलर तक एंड दे ऑल्सो मस्ट हैव क्रिएटेड बाई आफ्टर ईयर टू इंडिया के अंदर अभी एट्टी थ्री हैं बस उम्मीद है कि आने वाले पाँच सालों में नंबर्स ऑफ़ यूनिकॉर्न नंबर ऑफ़ यूनिकॉन्स बढ़ करके टू हो जाएंगे जबकि यूनिकॉन्स इन चाइना और ऑलरेडी थाउजेंड बेंगलुरु इज कंसिडर टू बी स्टार्टअप कैपिटल ऑफ आर कंट्री यूनिकॉर्न वन बिलियन डॉलर गजील्स फाइव हंड्रेड बिलियन ये गलत है बिलियन नहीं होगा यहाँ पे गजील्स के लिए फाइव हंड्रेड मिलियन होगा ये इंडियन एक्सप्रेस में भी ये गलत छप गया है एंड चीतास टू हंड्रेड मिलियन

तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट आर प्राइमली कंसर्न विथ एग्जामिनिंग कॉन्टैक्ट ट्रेस आप देखते हैं ना फिल्मों में कि फॉरेंसिक्स वाले आते हैं फिर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जगह जगह से कॉन्टैक्ट से वो उठाते हैं कि ये देखो यहाँ पे हेयर मिला यहाँ पे स्किन का कुछ पार्ट मिला किसी का तो ये होता है फॉरेंसिक्स का काम जब साइंस का इस्तेमाल करके किसी केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक सो फॉरेंसिक का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स बिहाइंड सम एविडेंस कुछ भी अगर टच किया आपने तो दैट विल लीव बिहाइंड सम एविडेंस दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड फॉरेंसिक साइंस न्यूज़ क्या है हाल फिलहाल में आसाम सरकार पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करना चाह रही है आसाम की और उनको ज़्यादा ज़्यादा साइंटिफिक बेस बनाना चाह रही है ताकि हम केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए हमारी पुलिस केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए इसलिए असम सरकार ने एमओयू साइन किया है हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर डी एन प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक फॉर बेटर फॉरेंसिक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन इन आसाम उसके अलावा पिछले साल आसाम पुलिस ने फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन द कंट्री बन गया टू लॉन्च ई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तो हमारी आसाम पुलिस भारत की पहली पुलिस डिपार्टमेंट बन गई टू हैव ई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ई एफ एस एल इट इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर डाउनलोडिंग द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट विच कैन बी यूज बाई ऑल द डिस्ट्रिक्स तो ई एफ एस एल से क्या होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो हैं अपना फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को ऑनलाइन ही अपने अपने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टडक्वार्टर से डाउनलोड कर सकते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रीड फ्लेशन और ये बस प्रम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक छोटा सा है इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा टॉपिक है क्लास में जो हम बातें पढ़ते हैं उससे लिंक्ड है ये तो मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं इन्फ्लेशन इट इज द रेट एट विच जनरल प्राइस लेवल राइजेज ये तो आपको पता ही है इन्फ्लेशन हम तो क्लास में भी पढ़ते हैं इन्फ्लेशन का डेफिनेशन मैंने क्लास में भी दिया इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल और डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं कि मान लीजिए जून महीने में पाँच परसेंट इन्फ्लेशन था इसका मतलब यह है कि जून 2023 में चीजों के दाम जून 2022 की तुलना में लगभग पाँच परसेंट ज्यादा है दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन फाइव परसेंट इन जून फाइव परसेंट मोर विथ रिस्पेक्ट टू जून मंथ लास्ट ईयर और भी टर्म्स होते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड डिस इन्फ्लेशन डिस इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन तो है बट इन्फ्लेशन का रेट घट रहा है आप देखिए जैसे इन्फ्लेशन था 10 परसेंट अप्रैल में फिर 7 परसेंट मई में फिर 5 परसेंट जून में यानी कि महंगाई तो है लेकिन महंगाई का जो रफ्तार है वो घट रहा है ऐसे सिचुएशन सिचुएसन कहा जाता है डिसइनफ्लेशन और डिफ्लेशन कहा जाता है व्हेन ओवरऑल चीज़ों के दाम बढ़ने के बजाय घटने लगें तो उसको कहा जाता है डिफ्लेशन और रिफ्लेशन सिचुएसन क्या होता है वो ज़रा समझिए देखिए जब इकोनमी में लो ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का सिचुएसन हो उस टाइम में एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं एक्सपेंसनरी फिस्कल पॉलिसी या एक्सपेंसनरी मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने से ग्रोथ तो रिवाइव होता है लेकिन साथ ही साथ महंगाई भी आती है वो महंगाई जो एक्सपेंशनरी फिस्कल या एक्सपेंसनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाने के कारण आई है उस महंगाई को कहते हैं हम रिफ्लेशन एक नया टर्म निकल करके आ रहा है ग्रीड फ्लेशन ग्रीड फ्लेशन क्या कहता है और ये यूरोप में और यूएस में ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो बड़ी बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स का दाम ज्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं नॉर्मली क्या माना जाता है इन्फ्लेशन बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन द मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज द रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ जाए या मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए लेकिन अब एक नया फिनोमिना देखा जा रहा है जहाँ बड़ी कंपनियाँ जो स्टैब्लिश्ड कंपनियाँ हैं दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट एंड That means for the purpose of fulfilling their greed, they are increasing their profit, and that is leading to more and more inflation. That is being seen in countries like U.S. and Europe, where greedflation is being seen as the real culprit behind rising prices. बिहाइंड तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड टेन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमि द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं कौन से देश एनपी के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन होल्ड कर सकते हैं करेक्ट आंसर वुड बी चाइना एंड फ्रांस आरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इकनॉमिक इंटीग्रेशन तो सबसे लो लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है पीटीए फिर एफ टी ए तो थ्री फोर दिन कस्टम्स यूनियन एंड कॉमन मार्केट तो थ्री फोर टू ए करेक्ट आंसर वुड बी ए और मल्टी ड्रग रजिस्टेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ फैक्टर नंबर टू एंड थ्री पहला और चौथा नहीं है दैट्स ऑल्व फ्रॉम आवर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग